अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं सुबह का सर सुन वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज हम जो मैं चाय बना रही हूँ दुआ और ईमान के लिए, क्योंकि हम सबको तो रोज़ा, तो उनके लिए मैं नाश्ते के लिए चाय बना रही हूँ। और कल से जो है ना, यहाँ पर लाइट का मसला बना हुआ है, तो सिग्नल भी नहीं आ रहा है, और इस वजह से रात को 11 बजे वीडियो अपलोड हुई। और हम जो है जागती रही बेचारी पूरी रात उसने, और रोटी वगैरह ये सब लेके आई है। तो मुझे उस वक्त ही उठाया जब रोज़े का टाइम था, तो मेरी बच्चियाँ भी उठ गई और मैं भी। तो माशाल्लाह पूरी रात ही हम नहीं सोए, उसने रोज़ा रखवाया। आज का सवाब जो है माशाल्लाह सुकून से रोज़ा रखा है। और जब उसने मुझे उठाया कि मम्मा उठे रोज़ा रख ले, तो मेरी बिल्कुल ही आँख नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह रोज़ा जो है सुकून से रखा है। बाकी आप सब के लिए अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक दुआओं के सदक़े, अल्लाह पाक आप सबकी दुआ के सदक़े और इस रमज़ान पाक के सदक़े जो भी बे औलाद है, अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे, अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे, अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे, आमीन आमीन। और जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, जो कर्ज़दार है अल्लाह पाक उन्हें कर्ज से निजात दे, और जो किराए के मकान में रह रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें अपना घर दे, और जो वालिदैन बच्चियों के रिश्ते के लिए परेशान हैं अल्लाह पाक उनके लिए अच्छे रिश्ते अता फ़रमाए, और जिन बच्चों के एग्ज़ाम है अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए, और जिनको नौकरी में परेशानी अल्लाह पाक उन्हें अच्छी नौकरी दे। और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जाएंगे चौलिस्तान, वहाँ पर थोड़ा है कुछ, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो बातें आपसे शेयर होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि रोज़ा रख के मुझे थोड़ी सी फिर से नींद आ गई थी, तो मैं फ़ौरन ही उठी हूँ और नमाज़ के लिए लेट हो रहा था, नमाज़ पढ़ लिया माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज का दिन जो है पूरा आपके साथ गुजरेगा, और बहुत सारी दुआओं के साथ हमें भी याद रखिएगा। और माशाल्लाह यहाँ पर है नीलू के पास दूध निकालने, और यहाँ बाल्टी में पानी है। तो अभी जहाँ मेरी अम्मी ने भैंस का दूध निकालने आई हुई है, और ये निकाल रही है। और अभी जो हम लोग जा रहे हैं रोही चौलिस्तान, क्योंकि बच्चों से छुप कर ही बाहर निकल आए हैं, देखते दुआ और ईमान तो रोते, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, पानी भी नहीं होगा ठंडा, तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? बताऊंगी मैं आप सबके लिए, मैं भी ठीक हूँ, और आप सब के लिए मेरी दुआ और प्यार। और आज हम जा रहे हैं चौलिस्तान, वहाँ पर कज़न हैं और तकलीफ हैं, उन्हें दुआ भी करनी है, और थोड़ा सा और काम भी है, शहर की सैर भी हो जाएगी, और उनसे उनको दुआ भी करेंगे। बाकी बातें आज के ब्लॉग में। और माशाल्लाह ये देखें यहाँ पर, और यहाँ पर फालसे भी हैं, गुलाब के फूल भी हैं, और वो मेरे ख्याल से शहतूत का दरख्त है, और बीच में खजूरें, बहुत ही प्यारा बाग है माशाल्लाह। और माशाल्लाह यहाँ पर बच्चे जो हैं, आज संडे है, घर हैं, तो ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। कुछ मछलियाँ पकड़ी खड़ो, मच्छे हैं कुछ डा कित, चलो अब तो हम चलते हैं, वो घर रख के आ गए मैं। और ये देखिए ये शहर है, और यहाँ से ट्रेन का रास्ता है। और माशाल्लाह यहाँ पर जो है चौलिस्तान बिल्कुल ही शुरू हो गया है, और यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो लोग जो है यहाँ से पानी भरने आते हैं नहरों से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहर का ही पानी इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए भी और खाने के लिए भी। भर के रख देते हैं, और उस पर चिटकड़ी डाल के इसको सफ़ेद बना लेते हैं, कुछ देर छोड़ देते हैं, और मिट्टी जो नीचे बैठ जाती है फिर उसे छान कर पीते हैं। ये जो है चौलिस्तान, जहाँ भी देखेंगे यहाँ पर मवेशी होंगे, और यहाँ पर माशाल्लाह ये गोश्तें हैं प्यारी प्यारी, और साथ में गाय वगैरह भी हैं, क्योंकि यहाँ पर फसलें इतना ज़्यादा नहीं होती पानी की वजह से, क्योंकि गंदम का फसल ही लेते हैं, कभी पक जाए तो ले लेते हैं, अगर नहीं तो बस नसीब पे छोड़ देते हैं, और मवेशियों से ही घर का जो है उनका गुजारा चलता है। और यहाँ पर ये घास लेने जा रहे हैं, इस तरह के घर जो है यहाँ पर होते हैं।
और यहाँ पर ये जो भाई हैं ये भी पानी भरने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मसला है इनको यहाँ पर पानी का है। माशाल्लाह यहाँ पर ये देखें डॉग्स हैं, क्योंकि इनके नज़दीक नहीं जा रहे, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके। माशाल्लाह ये भी घास के लिए जा रहे हैं। और माशाल्लाह ये है वो तालाब जहाँ से इंसान भी पानी पीते हैं और मवेशी भी, क्योंकि यहाँ पे जमा कर लेते हैं पानी और फिर इसको घर भर भर के ले जाते हैं, घरों में, दिलों में, मटकों में और कोई केनों में, वहाँ जाकर सफ़ा करके इसको पीते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से मवेशी भी पीते हैं। अब हम आ गए इनके घर। कज़न का बेटा है और ये बेचारा जो है ना इस तरह माजूर है। इनके ये कबूतर भी हैं और ये है छोटा सा इनका घर, वहाँ पर चूल्हा वगैरह। कज़न है, ये जब से पैदा हुआ है बचपन से माजूर है। आप सब इनके लिए दुआ करें, मैं भी इनसे दुआ करने आया हूँ। अल्लाह ताला इसे सेहत दे और हमें इसको आप अपनी दुआ में याद रखें। गरीब घर से और इस मजदूरी का सबब है, ये कुछ कोई काम वगैरह नहीं कर सकता। कपड़े गन्ने की दे ही दे कहना क्यों कौन ना गन्ने कहीं गन्ने गन्ने दे मैं गन्ने माँ हाँ तो मेरे कितने दुआ करी। अच्छा मैं तो गुजरा दीते ना हिंदी तू जूती घिनी ठीक है जूती घिनी। और ये जो है छोटी सी मेमी है उन्हें उठाया हुआ, क्योंकि ये थक गई हैं खेतों में घूम घूम के, तो अभी हम इनके घर जा रहे हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे मेमने हैं, बिल्कुल भी छोटे छोटे। और यहाँ पर जो है तंदूर है और रोटी बनाई जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर चूल्हा भी है इनका। और ये गांव का जो है ना इस तरह का होता है बर्तन रखने का। और ये रहे मटके जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, क्योंकि ये इसमें पानी भर के यहाँ रख देते हैं और पूरा दिन हवा लगने से ठंडे रहते हैं, और बर्तन धोकर ऊपर रख देते हैं। और यहाँ पर इनके ये ऐसे घर हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर इतनी तेज़ धूप होती है कि आपको क्या बताएँ, छोटे छोटे से बिल। और यहाँ पर ये जो है इस छोटे से दरख्त के साय के नीचे बैठते हैं बच्चे, बड़े और बच्चे, इतनी कड़कती धूप में। और फिर भी हम शहरों में हैं जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो जो सामने वाशरूम है वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनको लगा कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है इस तरह के घर हैं माशाल्लाह। ये जो है छोटा सा बेबी पैदा हुआ है, मैं नहीं आ सकी तो इसलिए मैं अभी ये इसकी जो खर्चे से भी दूंगी। और यहाँ पर जो इस तरह के घर होते हैं, एक एक कमरा सबका है और बाहर से जो कोई दीवार वगैरह भी नहीं है, ऐसे ही है। और यहाँ पर चूल्हे जो इस तरह के हैं और बर्तन यहाँ पर धो के रखते हैं, और वहाँ पर तंदूर है। और यहाँ पर जो इस तरह के घर हैं सर्दियों में अंदर यहाँ पर खाना बनाते हैं, और गर्मियों को वहाँ पर मवेशियों को बांधते हैं बकरियाँ। और यहाँ पर जो है एक एक लैट्रिन जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिए गए हैं, और घर सबके एक ही जैसे हैं, दीवारें वगैरह कुछ भी नहीं। रात को जैसे होता है हम लोग सेफ सोते हैं, गेट वगैरह बंद करके ताला लगा, ये ऐसे ही सो जाते हैं। और यहाँ पर ईंटें लिए हैं जगह बनाने के लिए, और ये बिस्तर वगैरह भी पड़े। और यहाँ पर जो है ये लिपाई की दीवारें जो है ना ऐसे छोटी छोटी बना रही हैं, और यहाँ पर ये बना हुआ है मट्टी का, इसे गारा बोलते हैं। और ये क्या साल कुली में दी भाई क्यों कच्ची है कच्ची है? अल्लाह से तो अकुडे से पक्के मकान है इंशाल्लाह। और इस तरह के इनके घर हैं, और इनको जो अभी ये लगा रही हैं मट्टी का वो लेपा बोलते हैं, पता नहीं गारा क्या बोलते हैं। जो है यहाँ पर चूल्हा भी बनाया है और बर्तन रखने के लिए वो वाली जगह, और ये चूल्हा। और यहाँ पर ये सबके इस तरह के ही घर हैं, कोई जो है पक्का नहीं है, इस तरह की ज़िंदगी जो सुकून से गुजर रही है इनकी। और इनके जो इस तरह के चूल्हे भी ये यहाँ पर बना रही थी तो मैं आ गई हूँ, और
ये पानी के घड़े भरे हुए हैं और ऊपर जो है बर्तन है। चीजें इस तरह खुल रही है, आबादी और खुला माहौल देखें किस तरह अच्छा लग रहा है। और जब गर्मी होती है वो भी ज़ोर की, और जो सर्दी आती है वो भी ज़ोर की। और यहाँ पर ये आठ भाई हैं तो साथ ही रहते हैं, आठ के आठ एक साथ रहते हैं। और सबका यही है जो पानी का हिसाब और यहाँ पर चूल्हों का हिसाब एक जैसा ही है सबका। और यहाँ इन दरख्तों के नीचे बैठते हैं, और वहाँ पर भी फारूक और वो बैठे हुए सारे। अरे क्या कम दिखनी इधर ना, क्या बतूल बतूल क्या कम मतीरा कम दिखनी मेक तो रे देनी मेक देनी टी मेम नहीं है। और अब जो है मैं आई हूँ अपनी खाला के घर। मेरी एक ही खाला है क्योंकि मेरी अपनी अम्मी की डेथ हो गई है, तो मेरी जो खाला है वो यहाँ पर रहती है। और आज मैं उनसे मिलने आई हूँ क्योंकि वो, और ये जो है मेरी खाला का घर है, तो उनके बेटे हैं तो बहुएं वगैरह हैं वो हैं सारे यहाँ पर, उनकी गईयाँ चल रही हैं। और यहाँ पर ये देखे मुर्गी के बच्चे हैं छोटे छोटे से, एक बच्चा जो नींद कर रहा है, और इनके चूल्हे कुछ इस तरह है। इनके जो खजूर के दरख्त भी हैं, और इनकी जो एक जगह इस तरह है, और इनका मटका ऊपर पड़ा है और बर्तन भी धोकर ऊपर रखे हैं, और नीचे ये इस तरह का। और यहाँ पर मुर्गा भी है इनका माशाल्लाह। और यहाँ पर इस तरह ये बर्तन बाहर धोकर रखते हैं ऊपर। और माशाल्लाह ये जो है रूम मेरी भांजी का है, और इसकी शादी जो है 2 साल पहले हुई है, और इसका बच्चा नहीं। अल्लाह पाक इसे साहिब औलाद करें, आप सब दुआ करें इंशाअल्लाह। और माशाल्लाह यहाँ पर कबूतर भी हैं। अच्छा उस दूसरी साइड से दूसरी तरफ तो, अच्छा अच्छा हाँ माशाल्लाह इन्होंने तो अंडे भी दिए हैं बहुत सारे, पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं, अंडे हैं बच्चे हैं बहुत बड़ी हैं ये तो माशाल्लाह। और ये भी मेरे जो खाला के बेटे हैं उनके घर हैं इस तरह के। और इनके बैठने की ये जगह है जहाँ पर खाना बनाते हैं, और इस झोपड़ी के नीचे बैठते हैं और यहाँ पर खाना बनाते हैं, और इनके बर्तन रखने की ये जगह है। और वहाँ पर जो मेमनी हैं चारपाई के ऊपर बैठे हैं, और एक जो मेरी खाला के बेटे हैं उनका ये घर है माशाल्लाह। ये जो रूम है मेरी खाला का है, और ये कुछ इस तरह का है कि सर्दियों में बच्चे सारे इनके पास होते हैं तो ये इस रूम में होती है। यहाँ पर जो है रेत है तो बाइक जो बहुत मुश्किल से निकल रही है। यहाँ पर ये रेत के टीले हैं बड़े बड़े, और ये जो है ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अब्बू के रिश्तेदार हैं, वो जो थे वो मेरी अम्मी के रिश्तेदार थे माशाल्लाह। इनके घर जो है इस तरह हैं जो मेरे अब्बू के रिश्तेदार हैं, और माशाल्लाह ये भी न्यू जगह बना रहे हैं अपनी। और यहाँ पर इनके घड़े जो इस तरह के हैं। और अब हम आए हैं ये मेरे जो अब्बू के हैं दूसरे जो खाला के बेटे हैं उनके घर आए हैं, उनका भी कुछ इस तरह सिस्टम है यहाँ चौबिस्तान का। और माशाल्लाह यहाँ पर ये इनका है किचन, और इनका माशाल्लाह किचन खूबसूरत है, और इनका चूल्हा भी बहुत खूबसूरत है इस तरह का। और ये रहे इनकी बकरियाँ, और उनके लिए ये वाला मकान है, और माशाल्लाह इनकी बकरियाँ भी बहुत अच्छी हैं, छोटे से मेमने भी हैं। और यहाँ पर ये भी इनके मवेशियों की जगह है, वहाँ पर इनका हैंडपम्प भी है। यहाँ पर गायों की जगह है, और यहाँ पर रात को खुली हवा पे दिन को चारा चरने जाती हैं, और शाम को यहाँ पर बांध देते हैं। और ये वाली बकरियाँ इनकी, और ये जो है मवेशियों का गायों का जो है बाड़ा बोलते हैं इसे। और यहाँ पर छोटे छोटे बछड़े हैं इनके माशाल्लाह, इनकी माएँ जो हैं बाहर चरने गई हैं। और इनका जो है इस तरह का मकान है माशाल्लाह।
इस तरह के घर जो होते हैं उनमें हवा जो बहुत अच्छे से आ रही है। इनके ये देखें पानी के मटके भरे हुए हैं ठंडे, नीचे बोरा बिछाया, ऊपर से इस तरह का छत है और यहाँ पर ऐसे है, और इनका चूल्हा जो है वो इस तरह का है। और ये जो है इनका घर है माशाल्लाह पूरा, और वहाँ ये छाँव के लिए यहाँ पर बैठते हैं, और वहाँ पर वॉशरूम है, नल है, और इनका तंदूर जो है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा एक चूल्हा यहाँ पर भी है, और गर्मी को भी ये यहाँ पर ही रोटी बनाते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर एक रूम ये है, और इस तरह के मुझे लग रहा है ये जो बड़ा सा पड़ा है ना ऊपर, ये पुराने दौर का है। और इस तरह के माशाल्लाह देख इनकी सेटिंग है। यहाँ पर चालिस्तान में ये जो है इस तरह बर्तन ऊपर रखते हैं, कोई अलमारियाँ वगैरह कुछ भी नहीं होता इस तरह के। और ये मेरे अब्बू के रिश्तेदार हैं, वो जो दूसरे थे वो मेरी अम्मी के रिश्तेदार थे। ये जो है माशाल्लाह इनका सहन है, इनके भी चार बेटे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर ये चूजे हैं छोटे छोटे मुर्गियों के, ये मट्टी इकट्ठी कर रही है बच्ची है छोटी सी, और उसने ये कढ़ाई के नीचे रखा हुआ है सपोर्ट के लिए, इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये लिपाई करेंगे इस तरह जैसे वहाँ से हुई है, और यहाँ पर ये ढेर लगा हुआ इकट्ठी कर रहे हैं, बाद में जो है यहाँ पर लगाएंगे। और वहाँ पर चूल्हे के डिज़ाइन देखें माशाल्लाह, और माशाल्लाह ये मुर्गा बाहर आ गया है। इसमें आईने लगे हुए हैं, मैं कब से बैठी देख रही थी कि क्या है, मैं इधर उधर जा, तो बाद में मैंने देखा कि इसमें ना आईने लगे हुए हैं। और ये जो है चूल्हे की दीवार है बाहर की इनकी। ये जो है माशाल्लाह हमारी पप्पो हैं, और ये बिल्कुल ही गरीब है। अल्लाह अल्लाह मालिक है। और इनके बेटे भी हैं ना, बेटियां हैं ना बेटे हैं, और ऐसे ही हैं बेचारी। और इनकी ये दवाइयां भी हैं, और हमसे जो हुआ हमने दिया, और अल्लाह पाक कबूल भी करे सब बहन भाइयों का। अच्छा बुआ वाला हूँ अल्लाह करे से अल्लाह सीते कुछ शिफा दे से। हाँ अल्लाह सी मैं कहते हाँ हाँ मैंने सुन, अल्लाह करे बच्चे जीवनी। चलो ठीक ठीक बुआ वाला, वो हाथ थे क्या थे आप देखो, हाथ रिखा सीधे कर हाथ, ये हाथ भी हैं इसके किसी चीज यानी कोई ना उठा सकती है वजन ना कुछ, ये सारे खराब हो गए और कमजोर ये इतनी है कि ये देखें ये इनकी कलाई है जो मैंने अपनी ये मुट्ठी में ली हुई है। और ये बस अल्लाह पाक इन्हें तंदुरुस्ती दे, आप सब दुआ करें। और यहाँ पर जो जो यहाँ पर इन्होंने अपना मटका रखा हुआ है पानी का, खुद ही भर के पी रही हैं क्योंकि इनके बच्चे भी नहीं। और यहाँ पर पता नहीं क्या रखा है, ये खुद ही अपना जो है सिस्टम, कोई बच्चा भी नहीं इनके पास, ये अकेली रहती है यहाँ पर। आज पता नहीं पाँव पे भी कुछ लग गया है। अच्छा हो जाने पर जरा डे दे तू दुआ की कर, जरा नहीं देता हूँ देखते दुआ की कर अल्लाह से ढेक दे उन्हें। और यहाँ पर जो है चार पाइयाँ डली हुई, तो यहाँ पर दोपहरा जो यहाँ पर बैठते हैं दोपहर को छाँव पर सोते भी यहाँ पर। माशाल्लाह यहाँ पर हमारे अंकल बैठे हुए हैं, उनसे मिलेंगे और फिर घर चले जाएंगे। इस तरह के भी घर हैं यहाँ पर, मस्जिद है, और यहाँ भी पानी का जो ना इस तरह का मटका भरा हुआ है, गिलास भी ऊपर रखा हुआ है क्योंकि चौलिस्तान है गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बड़ा मटका रखा हुआ है। और यहाँ पर अल्लाह का घर है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वॉशरूम भी बने हुए। यहाँ पर हम पहुँच गए अपने घर माशाल्लाह, मेरी बेटियाँ घर थी तो उन्होंने सफाई भी कर दी है। हम लोग घर पहुँच गए, नाश्ता किया था किस चीज़ के साथ, पराठा खाया था और अंडा भी खाया था। चलो माशाल्लाह पापी और चाय, चलो ठीक है अब। और माशाल्लाह नमाज जज़ुर की अदा हो गई है, तो जब हम लोग घर वापस आए तो गर्मी इतना ज़्यादा थी, तो मैंने नहा कर फ्रेश हो गई और फारूक भी फ्रेश होकर सो गए दोनों, तो कुछ देर पहले उठे नमाज पढ़ी है। और इतना ज़्यादा गर्मी थी आज, धूप पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आते ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो नहाने से कुछ फ़र्क हो गया। और अल्लाह आप पाक आप सबके जो भी दिली ख्वाहिशात हैं पूरी करें इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन।
और अल्लाह पाक आपकी जो भी परेशानी है सब दूर करे, जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें भी शफा दे, और जो भी औलाद है अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद दे। और आज जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई चौलिस्तान से, तो रास्ते में एक जगह और रुकी, हमारे रिश्तेदार थे वो भी वीडियो नहीं शूट की। तो घर आकर मैं अपने बच्चों को देख कर दुआ और ईमान को इतना ज़्यादा रोई हूँ कि बहुत ज़्यादा, कि अल्लाह पाक जिनके बच्चे हैं वो भी परेशान हैं और जिनके नहीं हैं वो भी परेशान हैं। और आज जो वहाँ पर जो लाइफ जो दिखाई है मैंने, वो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस तरह से, तो उनकी तो हमसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी है जो वो गुजार रहे हैं। तो बस कुछ मेरे अबू जो हैं उनकी हेल्प कर देते हैं, थोड़ा बहुत था उनके, मेरे अबू को अल्लाह पाक शफा दें। तो वो माशाल्लाह हर रमज़ान शरीफ में जो भी उनसे बन पाता है ज़कात वगैरह जो भी वो निकालते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देकर वापस आ गए थे, क्योंकि दिखाया नहीं, शो नहीं किया। तो जहाँ जहाँ भी गए, जिनको जितना जितना मेरे अबू ने कहा था हमने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत खुश थे, बहुत दुआएं दे रहे थे माशाल्लाह। और पूरा दिन हम लोग, इतनी गर्मी थी चौलिस्तान जहाँ पर तपती हुई रेत होती है, जहाँ पर बाइक भी मुश्किल से निकल रही थी हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फारिग होकर खैर खैरियत से वापस आ गए। और आप सब दुआएं में याद रखना, क्योंकि मेरे सर में और गले में बहुत दर्द है आज। हाँ, फ्रेश होकर आ गए क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा थी, और जैसे ही मैं वापस आई हूँ मेरे सर में इतना दर्द था बहुत ज़्यादा। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है अब? गर्मी थी वहाँ पर? क्योंकि हमारे आते ही पाँव ऐसे जल गए जैसे आग में पड़े हों, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर। और यहाँ पर जो है बड़े बछड़े का जो है चारा तैयार किया जा रहा है। और माशाल्लाह आज हम बना रहे हैं चिकन। यहाँ पर चिकन को जो है नमक और हल्दी लगा कर रख दिया है कुछ देर के लिए। तो इसमें क्या क्या डालेगा ये आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे, उसके बाद ये जो मिसाले हैं और टमाटर हैं यहाँ पर, और लहसुन और अदरक का पेस्ट। अभी जो है मैंने ना चिकन में हल्दी और नमक डाल दिया, क्योंकि हल्दी और नमक डालने से ये होता है कि चिकन में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और आज हम बनाएंगे चिकन, इसमें ना प्याज डाल दिए हैं और ये फ्राई हो रही है। और जो अभी जो है ना हमारे जो प्याज है वो ब्राउन होने वाले हैं, उसके बाद जो है हमने इसमें मिसाले डालने हैं। हमारे जो प्याज है वो बिल्कुल ही ब्राउन हो चुके हैं, प्याज ब्राउन होगा तो उसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है, जो उसमें मिसाले डाले थे प्याज में वो हमने सारे मिक्स कर दिया। उसके बाद हम डालेंगे टमाटो और सब्जी। टमाटर जो थे ना, टमाटर सब्जी मिर्च वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए। उसके बाद मैं डालूँगी चिकन, चिकन देखिए ना जिसे मैंने नमक और हल्दी लगा कर रखी थी, उसे मैंने वॉश करके फिर डाला है। और जैसे ही मैंने चिकन डाले उसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, जब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसके बाद मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन जो है इसलिए मैंने एंड में डाला है क्योंकि इसे जो ना चिकन जब डाल लें उसके बाद डालें ना, तो इसका जो जायका आता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और चिकन जो है वो मज़े वाली बन जाती है। अभी जो मैंने सब धनिया इसमें डाल दी है और ये रेडी हो गई। माशाल्लाह सब बच्चे आ गए, और माशाल्लाह यहाँ पर सुफरा लग गया हमारा खाने का। तो सालन है, सलाद है, और यहाँ पर तंदूर की रोटी है, और माशाल्लाह यहाँ सालन तैयार है हमारा। हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मुस्तफ़ा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्तफ़ा, एंड आई मिस यू मुस्तफ़ा, आई लव हिम, माई सिस्टर एंड माई मदर एंड मुस्तफ़ा, आई लव यू। आपको मैं बहुत आज मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। और मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो है ना अपने ही याद आते हैं। तो मेरा YouTube फैमिली और सब फ्रेंड को भी यही पैगाम है कि आप अपने मुश्किल वक्त में और हर खुशी या मुश्किल वक्त में अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों, वाइफ और इन सब को प्यार करें, और इन सब से अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं।
क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं होता, सिर्फ अपने ही होते हैं साथ में, माँ बहन भाई बेटे बेटियाँ, और कोई मुश्किल वक्त में साथ नहीं होता। तो मुझसे पूछें कि माँ बहन बाप भाई की कदर क्या होती है। मेरे बाप की डेथ हो गई, माँ मेरी प्रदेश में है, मुझसे बहुत दूर है, जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं अकेले बैठ के इधर होता हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोई दुख दर्द समझने वाला मेरे पास कोई नहीं होता सिवाय बच्चों और वाइफ के। आज जब मैंने मुस्तफ़ा और सितारा और सलमा और अम्मी को जब बर्थडे उनका मुस्तफ़ा का देखा तो मुझसे रहना गया कि मैं काश कि मैं उनके पास होता, उनकी खुशी में मैं शरीक होता। मैं यहाँ अकेला मिस कर रहा हूँ उनको, बहुत बहुत प्यार कर रहा हूँ और मिस भी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी उन्हें मिस कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते ना वो हमारे पास आ सकते हैं। तो मेरा बहुत ही प्यार सब फैमिली वालों को, और मैं बार बार यही पैगाम दूंगा सब फैमिली को, दोस्तों को जो मेरे फैन हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि आया आज जिंदगी का कोई पता नहीं है, जो भी आपके वालिदैन माँ बाप बहन भाई हैं उनको प्यार दें, ताकि आज का जो टाइम है वो आपके हाथ से चला ना जाए, बाद में पछताएंगे हम माँ बाप की बहन भाई की हमने प्यार नहीं किया, उनकी इज्जत नहीं की, खिदमत नहीं की। ये मौका जिंदगी में बहुत ही मुश्किल और कम लोगों को मिलता है। तो खुदाया अपने माँ बाप बहन भाइयों से प्यार करें, अपनों उन्हें बहुत ही प्यार दें, एक पल का भरोसा भी नहीं है। एंड आई लव यू एंड आई मिस यू तारा सलमा एंड अम्मी, एंड आई लव यू मॉम, मैं आपको आज बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे आपकी आज बहुत याद आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। कल तक के लिए नए ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।